से काम कर रहे हैं वो कम थे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा आज का ब्लॉग उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी के अटल लाइब्रेरी में आगमन पर, जो कि इंदिरा नगर के सी ब्लॉक में मैत्री शरण गुप्त वार्ड में आता है और जहां के पार्षद श्री दिलीप श्रीवास्तव हैं, का यह मेरा ब्लॉग होगा। अटल लाइब्रेरी में उन समस्त पुस्तकों की लाइब्रेरी है जो कि और कहीं मिल पाना काफ़ी मुश्किल है। इस लाइब्रेरी में सामाजिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन, वास्तविक दर्शन, कला दर्शन आदि कई जटिलता से मिलने वाली पुस्तकें हैं जो हमें प्रगतिवान रहने के लिए आईना का काम करती हैं। माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी का आगमन हो चुका है। भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी के आगमन पर मैत्री शरण गुप्त वार्ड के पार्षद श्री दिलीप श्रीवास्तव, एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विवेक सिंह व एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारी तथा मैथिली शरण गुप्त वार्ड के समस्त नागरिकों ने माला इत्यादि पहनाकर श्री हृदय नारायण दीक्षित जी का भव्य स्वागत किया। मैत्री शरण गुप्त वार्ड के पार्षद श्री दिलीप श्रीवास्तव, जिन्होंने आदरणीय हृदय नारायण दीक्षित जी को अटल बिहारी लाइब्रेरी दिखाते हुए और इस लाइब्रेरी के बारे में जानकारी देते हुए श्री दिलीप श्रीवास्तव का व्यक्तिगत रूप से बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए, जबकि पूरे लखनऊ में लॉकडाउन था, ऐसी स्थिति में घर से निकलकर अपने वार्ड की भलाई के लिए फ्री राशन, फल, सब्जियां, अनाज व दवाइयां आदि मुफ्त में बांटा तथा लोगों को कोरोना के लिए जागरूक किया। श्री दिलीप श्रीवास्तव अटल लाइब्रेरी के समस्त पुस्तकों के बारे में पढ़ने वालों के बारे में जानकारी देते हैं। जो वो मोबाइल खोल के या लैपटॉप खोल के या टीवी में बैठ के कमरे में देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। व्यक्तित्व साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में हमारे बीच उभरा है। राजनीति के होने के साथ साथ एक सबल, सशक्त और समग्र व्यक्तित्व के स्वामित्व आपका काम आपने किया है। दोस्तों, मैं माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। श्री हृदय नारायण दीक्षित जी का जन्म ग्राम लौआ, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी शिक्षा एमए अर्थशास्त्र है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित साहित्यकार, पत्रकार व कुशल राजनीतिज्ञ हैं। उनके जीवन की यात्रा काफ़ी उतार चढ़ाव वाली रही है। प्रदेश सरकार में संसदीय कार्य मंत्री और पंचायत राज मंत्री रह चुके श्री दीक्षित जी उन्नाव में भाजपा के जिला अध्यक्ष से पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य, मुख्य प्रवक्ता और अन्य कई मोर्चों व प्रकोष्ठों में भी अलग अलग पदों की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वे राज्य विधानमंडल की प्राकलन समिति के सभापति और सार्वजनिक उपक्रम समिति के सभापति भी रह चुके हैं। श्री दीक्षित जी ने लंबे समय तक अखबार निकालकर भी आम लोगों की समस्याओं को आवाज़ दी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान, भान प्रताप शुक्ल पत्रकारिता सम्मान और दीनदयाल उपाध्याय सम्मान जैसे तमाम पुरस्कारों से भी वे नवाजे जा चुके हैं। वैदिक साहित्य और भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन करने वाली श्री दीक्षित जी की विभिन्न विषयों पर 22 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। मेरा आज का ब्लॉग अब यहीं समाप्त होता है। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।